हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, कलरवे 6001 रियलमी 2 C1 डिवाइस में आ चुका है। पर रियलमी 2 एंड C1 में ये अपडेट होने के बाद मुझे फेस नहीं हुआ, पर बहुत लोगों को बैटरी ड्रेनिंग का इशू फेस हो रहा है। यानी बैटरी बहुत ज़्यादा जा रहा है उनके डिवाइस में। आज हम थोड़ा बहुत बात करेंगे बैटरी ड्रेनिंग इशू के बारे में और उस इशू को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, भाई बैटरी ड्रेनिंग किसे कहते हैं। एक्चुअली भाई बैटरी ड्रेनिंग तो होगा ही, क्योंकि बैटरी में चार्ज है और अगर आप फ़ोन को यूज़ करते रहोगे तो बैटरी की चार्ज घटता ही रहेगा। ये सही बात है, पर बैटरी ड्रेनिंग इशू किसे कहते हैं। बैटरी ड्रेनिंग इशू उसे ही कहते हैं जिसके अंदर आप अगर फ़ोन को रख भी देते हो या एकदम मिनिमम टाइप का कोई काम करते हो, वहाँ पर भी आपका बहुत हाई रेटेड बैटरी का ड्रेन होता है, उसको हम बैटरी ड्रेनिंग इशू कहते हैं। तो भाई लोग, अगर आप बैटरी ड्रेनिंग इशू से बचना चाहते हो रियलमी 2 एंड C1 में, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी स्टेप। मैं यहाँ पे जो स्टेप को यूज़ कर रहा हूँ, इस स्टेप को प्लीज़ से आप भी अपना फ़ोन में यूज़ करके देखो, पूरा का पूरा फॉलो करके देखो, ताकि आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू थोड़ा बहुत कम सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मेरी सेटिंग्स में, और आपको पता है कि रियलमी 2 एंड C1 का जो बैटरी वाला इंटरफेस है, वो इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो चलिए हम जाते हैं बैटरी इंटरफेस के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं 85% बैटरी है। तो यहाँ पे आपको इस इंटरफेस के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक स्मार्ट पावर सेवर, पावर यूसेज में आपको कौन कौन सी चीज़ें में पावर जाती है वो दिखाएगा, पावर सेवर ऑप्शन और स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले जो मैं सेटिंग्स आपको बताऊँगा, वो सेटिंग्स आपको बहुत बहुत ध्यान से करना है। आपके मोबाइल में लगभग बहुत सारे एप्लीकेशन है, इतनी सारी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चल रही है। ऐसा भी हो सकते हैं कुछ कुछ ऐसा एप्लीकेशन हो जिस एप्लीकेशन को आप महीने में एक बार यूज़ करते हैं, पर वहाँ से भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। कोई ना कोई ऐसा एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को आप बहुत कम यूज़ करते हैं, पर वो भी अपने अंदर जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस को खा रहा होगा। तो उसी एप्लीकेशन से अगर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बैटरी वाला इंटरफेस में आना पड़ेगा, और आने के बाद आपको कस्टम पावर सेवर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट रहता है, इसको प्लीज़ से एक्टिवेट मत करिए। कस्टम पावर सेवर ऑप्शन में जाइए, जाने के बाद आपके सामने बहुत बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगी। मान लीजिए ये है एडसेंस, मैं इसी एप्लीकेशन को कभी यूज़ नहीं करता, पर इसी एप्लीकेशन से मेरा बहुत नोटिफिकेशन वगैरह आता है। तो मैं अगर चाहूँ तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग कर सकता हूँ। अगर आप इसको डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड्स में चल रहा था वो प्रोसेसेस ख़त्म हो जाएंगी। और उसी के साथ क्लैश रॉयल में बहुत ज़्यादा खेलता नहीं हो तो डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग, ये देखते रहिए मेरे साथ। मैं आपको कुछ और सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर हमारी बैटरी ड्रेनिंग को और भी तगड़ा करते हैं। तो चलिए नीचे जाते हैं, और आप अपने हिसाब से सारे के सारे एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं। तो ये है वो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के थ्रू हमारा बहुत बहुत ज़्यादा बैटरी का ड्रेनिंग होता है। देखिए टच पैड, आपको तो पता है ये कीबोर्ड एप्लीकेशन है, एक कीबोर्ड का काम है जो ये लोग संभालते हैं। तो ये जो टच पैड है, हम लोग तो बेसिकली गूगल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ये जो टच पैड है ना, ये बहुत ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करते हैं। आप तो कई बार बहुत बार कीबोर्ड को यूज़ करते होंगे, जितनी बार कीबोर्ड को यूज़ करते होंगे वो लोग बैकग्राउंड में एक्टिवेट होकर बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप सिंपली टच पैड कीबोर्ड में जाइए, डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग कर दीजिए। आप बैक में आइए, जितनी सारी टच पैड का कीबोर्ड का सिस्टम है उन सारी को एक एक करके डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग बटन में आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जितना हो सके आप यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे आप डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग ऑप्शन में दबा दीजिए। अगर आप सारी की सारी एप्लीकेशन को डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग ऑप्शन में दबा देते हैं तो यहाँ पे एक चांस बन जाती है कि आपके जो बैकग्राउंड में ये जो एप्लीकेशंस है, जो कीबोर्ड एप्लीकेशंस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो चलेगा ही नहीं। बैटरी के हिसाब से ये लोग अभी स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगभग सारे की सारी को ऑफ कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ जो जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में है पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस एप्लीकेशन को आप एकदम से स्लीप मोड में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला सेटिंग्स। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी सेटिंग्स के बारे में।
ये जो दूसरी सेटिंग से वो है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइज है। इस वाले अपडेट ये जो कलरवाइज 6001 का अपडेट आया है रियलमी 2 एंड C1 में, इस वाले अपडेट के अंदर हमें स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को दिया गया है। अभी स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका काम ये है कि जब आप काफ़ी आपका ये जो आपका ये देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाला सेटिंग से, ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाला सेटिंग आपका ऑन नहीं रहने का बाद भी आप इसको सिंपली ऑफ रख के भी यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड या बैलेंस मोड में कर देते हैं, तो हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड अगर बैलेंस मोड में कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक ऐसा डार्क स्क्रीन वाला ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वो जो जो एप्लीकेशन डार्क में चलता है वो एप्लीकेशन काफ़ी आसानी से पावर एफिशिएंस हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे जो बैटरी कंजम्पशन हुआ था वो और भी कम होगा। तो ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर से एनेबल करना है, आपको हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड में इसको क्लिक करना है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को। ये तो हो गया भाई सेकेंड सेटिंग। अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड सेटिंग्स के बारे में। थर्ड सेटिंग है भाई डेवलपर ऑप्शन में। आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और जाके डेवलपर ऑप्शन में जाना है। और भाई डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं वो सभी को पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो नीचे कॉमेंट करिएगा। अभी सिंपली मैं जाता हूँ नीचे और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का एक ऑप्शन मिलेगा। अब बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखें तो ही सबसे बढ़िया है। तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखने से क्या होगा, बाकी जो बेकार के एप्लीकेशन से वो एप्लीकेशन आपकी जो बैकग्राउंड में हो चल रहा है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपका बैटरी रहने का चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ मैंने बताया शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा, पर ये तीनों चीज़ों के बाद मैं कुछ स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ जो आपको यूज़ करना चाहिए। नंबर वन जो स्टेप मैं बताना चाहता हूँ वो है भाई स्क्रीन में एक डार्क कलर का वॉलपेपर यूज़ करो। एक ऐसा डार्क कलर का वॉल लाइक के गूगल प्ले स्टोर में काफ़ी सारे एमोलेड वॉलपेपर टाइप का एप्लीकेशन आता है, वहाँ से लो डार्क वॉलपेपर यूज़ करो। और यह डार्क वॉलपेपर आपके बैटरी रेटिंग को बहुत बहुत ज़्यादा कम करेगा, इसके मदद से आपका बैटरी रेटिंग बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर टू की। भाई मैंने खुद ये चीज़ को यूज़ किया है और इंटरनेट में भी बहुत बड़े बड़े जो वेबसाइट्स है ये चीज़ को बोलता आ रहा है कि भाई बैटरी का परसेंटेज क्या होना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अभी बैटरी का परसेंटेज है 83%। मैं कभी कभी आप लोगों को दिखाने के लिए 100% बैटरी को चार्ज करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी बैटरी को 100% चार्ज नहीं करता। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं चार्ज करता, और जैसे मैं 100% बैटरी को चार्ज नहीं करता वैसे भी मैं कभी भी बैटरी को 40% या 30% के नीचे गिराता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत बड़े जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स का भी मानना है कि अगर आप अपने मोबाइल के बैटरी है उस बैटरी को 40% से लेके 80% या 30% से लेके 80% के बीच में रखते हो तो बैटरी का जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवर चार्जिंग मत करो, बैटरी को 30% से लेके 80% के अंदर रखने की कोशिश करो। 80% के बाद आप चार्जिंग को खोल दो या 30% से नीचे आप चार्ज को मत जाने दो। इससे क्या होता है, मोबाइल का जो बैटरी का हेल्थ है वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बात करते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को रीसेंट टास्क का ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं। आप लोग बहुत लोग क्या करते हो भाई, कोई भी एप्लीकेशन का काम हो गया, आपका मोबाइल का काम हो गया, सिंपली यहाँ पे आगे डायरेक्ट सबको डिलीट कर देते हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट डिलीट कर देते हो, मान लो कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाट्सएप चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप जब भी उसको डिलीट कर रहे हो वो तो मेमोरी से हट रहा है, पर उसके बाद आप फिर से व्हाट्सएप ऑन कर रहे हो, फिर से फेसबुक ऑन कर रहे हो, फिर से कोई ऐसा एप्लीकेशन ऑन कर रहे हो जो आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हो, बहुत बार यूज़ करते हो। तो उस एप्लीकेशन को आपको रनिंग ऐप से नहीं हटाना चाहिए, उस एप्लीकेशन को आप रनिंग ऐप से रख दो, क्योंकि जितनी बार उस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे प्रोसेसर को प्रोसेस करना पड़ेगा उतनी बार बैटरी ड्रेनिंग का इशू बढ़ जाएगा। इसी मुझे जो लगता है इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए मेरा बैटरी ड्रेनिंग का इशू सॉल्व हो चुका है। लिटरली मेरा बैटरी ड्रेनिंग इशू नहीं होता है अब, पर आप लोगों को अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो आपका भी बैटरी रेटिंग इशू सॉल्व हो जाए। ये स्टेप जो मैंने बताया पहले वाला उसको ही फॉलो करना, और साथ ही साथ मोबाइल को 30 से 80 के अंदर रखना, परसेंट की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करना और रिसेंट ऐप्स को ज़्यादा क्लियर मत करना। तो भाई लोग ये स्टेप को फॉलो करने के बाद आप मुझे बताओ कि आपका कुछ हद तक चीज़ें ठीक हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो एक बार के लिए आप क्लियर डेटा करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने के नाते कौन से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को ड्रेन कर रहा है वो आप भी समझ नहीं पाओगे।
तो भाई लोग बस वीडियो में इतना। इस वीडियो को वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ स्टेप्स। इस स्टेप को एक बार के लिए फॉलो करके देखो और अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या हुआ क्या नहीं। तो भाई लोग गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ, अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर देना।